मेरे मन में ना बहुत दूर से क्वेश्चन आ रहा है। पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि तुम ज्यादा मूर्ख हो या मैं? बताओ। देखो जानू, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम कभी किसी मूर्ख से शादी करो। करुण एक बात बताओ। yeah? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है गर्लफ्रेंड और बीवी में? हाँ बता दूं, गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं बताओ। 10-15 किलो का फर्क है एटलीस्ट। जिंदगी की तलाश। ये देखो मैं 1000 रुपए का एक सेब लाई। 1000 रुपए का एक सेब? तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई ऐसा वैसा सेब नहीं है, ये वही सेब है जो न्यूटन के सिर पे गिरा था। तुमसे कोई कुछ भी कह देता है और तुम उसका भरोसा कर लेती हो? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैं पूरी जांच पड़ताल करके लाई हूँ। कैसे जांचा आपने इसे? अरे ठेले वाले भैया ने मेरी खुद न्यूटन से फोन पे बात कराई है, उसने खुद बताया है कि यही सेब उसके सिर पे गिरा था। तुम भी ना ऐसे घूर क्या रही हो? वही होगा जो मैं चाहूंगा। पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद बर्तन धोऊंगा। पोछा लगा के मैं अभी भी बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो, ये लो दवा खाओ। क्यों? जितना कहा है उतना करो। हाँ हाँ पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चुपचाप इसे खा लो। लेकिन ये दवा ठीक आएगी? वो तो मुझे नहीं पता, पर कल ये दवा एक्सपायर हो रही थी। अब इसके पैसे वसूल हो गए। अरे कैसे? हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ। क्या हुआ? देखो घबराना ना। अरे बताओ तो हुआ क्या है? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देखो रोना, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। मुझे लेके चलो वहाँ। हाँ हाँ चल रहा हूँ। अभी लेके चलो। हाँ हाँ चल रहा हूँ, पहले कपड़े तो बदल लो, इस हालत में थोड़ी लेके जाऊंगा। ठीक है फिर मैं वो नया वाला सूट पहनूंगी जो तुमने कहा था किसी खास मौके पे पहनना। पहन लो, बहुत खास मौका है।